अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, खैर नाल, हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो जी, अलविदा का जुमा आप लोगों को सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, मेरी पूरी वाईटी फैमिली को अलविदा का जुमा मुबारक हो। और आज है हमारे घर में अफ्तार पार्टी। अलविदा के जुम्मे वाले दिन हम लोगों ने रखी है अफ्तार पार्टी, मतलब मम्मी के यहाँ पर ऑर्गेनाइज हम सब बहन कर रहे हैं मिलके, क्योंकि भाभी नहीं है तो वह ऑब्वियसली बात है मम्मी के साथ हम सब रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे साथ में। तो करनी थी मम्मा को, तो बस आज है हमारे यहाँ अफ्तार पार्टी, यानी कि मम्मा के यहाँ पर। और आप सब लोग भी आ जाइए अफ्तार पार्टी में। और तबीयत का ऐसा है कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, गले से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, इतनी भद्दी सी आवाज़ आ रही है और बोलने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। मेरी एक शहज़ादी को भी आप लोगों ने देख लिया तैयार हुए हुए, अब दूसरी शहज़ादी स्कूल से आएंगी, फिर मैं उनको तैयार करके और सबसे आज मिलवाऊंगी, मम्मी से, अनु से, मिनाज से, सब से अलविदा का जुम्मा आप सबको मुबारक। एक बार सब मेरी फैमिली कहेगी एक साथ से। सॉरी, मेरे हाथ से फ़ोन छूट के गिर गया था और यहाँ पर ये मेरी सारा सामान रखा हुआ है, शॉपिंग हुई भी रखी हुई है। तो बस यहाँ पे मेरी दोनों शहजादियाँ पढ़ रही हैं, यहाँ पे आयजा नमाज़ पढ़ रही हैं, यहाँ पे मम्मा और अनु नमाज़ पढ़ रही हैं। ठीक है, आयजा आप नमाज़ पढ़ रहे हो, पढ़ लो। अफू भी पढ़ रही हैं, आयजा ना। मेरी नायत तो बड़ी प्यारी लग रही है, खूब अच्छे से पढ़ाई करो, जुम्मा मुबारक बोलो। अफू नन्ना से मिलो जल्दी से, अफू जल्दी आओ, नन्ना से जुम्मा मुबारक मिलते हैं, जल्दी से मिलो। ये पंख क्यों फैला रखे? अफू मिलते हैं ना, गले मिलते हैं, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, ऐसे बोलो ना। आपको क्या हो गया, ड्रेस पहन के आप इतरा रही हो? गप्पू जाओ, आपकी बहन जुम्मा मुबारक। ऐसे नहीं, 1 2 करो तभी बनेगी, 1 2 3 बस बस, मुंह में मक्खी घुस जाएगी। अल्लाह नसीब अच्छा करे, आमीन सुम आमीन। अल्लाह तुम्हारे माँ बाप दोनों को तरक्कियां, थोड़ा दिमाग दे। और आयजा का ये वाला ड्रेस, ये इनके फूफा जी लेकर आए थे, आयजू के लहंगा अजमेर से, ये वाला फूफा का ड्रेस उसकी मम्मा लाई थी। और इनायतु कहाँ गई, इनायतु इधर आओ, अपना भी दिखाओ, इनायतु का ये वाला ड्रेस उसकी मम्मा लेकर आई थी। अलविदा मुबारक, लाइटें कुछ कम नहीं। अस्सलाम वालेकुम खालू जी, अलविदा मुबारक हो, मेरे व्यूअर्स को भी बोल दो, आपको भी सबको अलविदा मुबारक हो, अल्लाह हर घर में हर खुशी दे, अल्लाह सबको ईमान वाला बनाए, आमीन सुम आमीन, सबके घरों में सुकून चैन दे, अल्लाह आमीन आमीन। है कि वालेकुम अस्सलाम, रख दो अनु भी, रख दो। अलविदा का जुम्मा मुबारक, बाहर ही बैठते हैं ना, इसी चला दो। अलविदा का जुम्मा मुबारक हो तुम्हें, खालू अलविदा जुम्मा मुबारक, अच्छा लगा, खूब कामयाब बनाया, सब जने आ चुके हैं नानी के यहाँ से। मैंने आपसे बोला था कि सब आते हैं मम्मी से मिलने के लिए, तो मम्मी से मिलने के लिए आ गए। और मिनाज, मिनाज आज बहुत प्यारी लग रही हो सूट में, मिनाज को तो बस हमेशा ये लगता है ऊट पटांग, ऊट पटांग, कोई ऊट पटांग में नहीं लेता। ये लाइट, अभी लाइट जली। और ताई भाई नहीं आई, ताई जी, ताऊ जी, बहने बैठी हुई, खालू मिल लो, मिल लिया मम्मी से, मिल लिया क्या? हाँ मम्मी से, अच्छा मम्मी से मिल लिए थे, मम्मी ने दे दिया आपको दुआएं शुआएं, आमीन 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 सुम आमीन। बैठी
तो जी यहाँ पर हमारी अफ्तार की प्लेटें लग चुकी हैं। अफ्तार में जो प्लेटों में है ना, हमने ज़्यादा तामझाम नहीं रखा। माशाल्लाह से एक खजूर है, फ्रूटी है, समोसा है और केला है, क्योंकि उसके बाद हमें लोगों को खाना भी देना है, तो इस वजह से। और हालत हमारी डाउन हो रही है, आवाज़ की दिक्कत हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। तो गाइस मैंने ये सूट पहना है, आप लोगों को मैं बता दूँ, ये मेरा ये वाला सूट प्लाजो सूट। और पता है इसके ऊपर ना मैंने क्या पहनी है, ये मैंने पजेबी भी पहनी है आज। मैंने सोचा चलो आज ही पहन लेते, तो आज मैंने ये पजेबी पहनी है। सबको बहुत पसंद है, मम्मा को बहुत पसंद आई। तो हालांकि मेरे पैर सूज रहे हैं, प्लीज़ अवॉइड करिएगा मेरी सूजन को। तो ये मैंने सूट पहना है, ये वो सूट है जिसे पहन के मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। प्राउड फील क्यों कर रही हूँ मैं बता दूँ आपको, कि ये मेरा उस्तादनी का जोड़ा है जो नाज़िया की शादी में मेरे को उसकी ससुराल की तरफ से मिला था। तो ये वही सूट था और मैंने इसे पहना है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसे पहन के। आप भी कमेंट में बताइएगा मेरा सूट कैसा लग रहा है। ठीक है, बैठ गए हैं। सबसे बड़ी रोज़ेदार मेरी इनायत, इनायत रोज़ा ज़्यादा लग गया बेटा। और आफू आप दिखाओ, आफू आपका रोज़ा ज़्यादा लगा नहीं लगा? आपका रोज़ा कहाँ रखा हुआ है आफू? कहाँ रखा हुआ है? अलमारी में संभाल के। अलमारी में संभाल के। आफू भी बताइए, आफू आप खुद बताओ कहाँ रखा हुआ है? अलमारी में संभाल के। यहाँ मम्मा लेटी हुई है या खालो बैठी हुई है? हमारा इंतज़ाम देख लीजिए आप। इसको भी बुला लिया रोज़े में हमने, ये भी आ गई है। नगमा तू ऑफिस से आ गई? मैंने कुछ ही लग रही है, बात हो रहा है और सब वही होंगे सुबह जी। नहीं चक्कर आ रहे, बैठ जा बहन, बैठ जा, खा लो। पूरे चल रहे हैं इसके तो, पूरे तो हमारे भी चल रहे हैं, चक्कर करते रहते हैं। खा लो, सामने से हटो ना। आप आते हो रात में और सुबह में? सुबह में आते हो, लेकिन जो रोज़ा खोलने के बाद तुम लेट जाते हो। अरे तो मिलोगे नहीं, मिलोगे नहीं मामू जी, खड़े हो, मिलो। हाँ मिलो बहन से, मिलो। तो फोटो किस पर लेंगे? फोटो अब फोटो किस तरह लेंगे, फोटो किस तरह लेंगे। जी अफ्तार का टाइम होने वाला है, प्लेट और सारे मेहमान आ चुके हैं हमारे। मैं दिखाती हूँ सबको भी, है ना। गरम गरम ये ज़ेबा है, इसको गरम गरम सब चाहिए। ज़ेबा गैस पे रख देते तुम्हें हम। हाँ हाँ, तवे पे बुलबुल का भी बड़ा शौक था, तवे पे बैठ के खाना खाने का। बुलबुल बगल में बैठती थी और मैं तवे पे रोटियाँ या परांठे बना के देती, तो वो तवे से उतरा हुआ ही खाती थी। ऐसा तो खा भी नहीं लेती थी कि जैसे थोड़ा टाइम लग जाए। मेरा भी मुँह जल जाता है, मैं थोड़ी खाती चल लेता। अब तो होश ही नहीं रहता। अच्छा जी, तो माशाल्लाह से हमारा खाना आ चुका है। यहाँ पर कोरमा है और यहाँ पर हमने रोटियाँ मंगवा ली हैं। अभी इफ्तार का टाइम नहीं हुआ है। हाँ भैया जी, आपको रोज़ा शुरू हो गया आपका? कितनी अच्छी लग रही है रोजा लग रहा बेटी को? बाबा कब है ना, इनकी चप्पलें तो देखो चोरी पारी पारी सी। ये मम्मा ने सिला सूट, इधर तो देखो इतना अच्छा मुंह था। सुभान 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 को बाल दो आशु का, आशु लाशु आज। तो वही खाना स्टार्ट हो चुका है, खाना ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो चुका है। स्टार्ट क्या, ख़त्म भी हो चुका है। खाना कैसा, खाना कैसा लग रहा है भाई? अच्छा है, मैंने बनाया, मेहनत मेरी है सारी। हाँ मैंने आज में सालन बनाया है, अब क्या ही बोलूँ। इन लड़कियों ने मेरा मेनाज के आगे अगर डब्बे भी रख दिए ना मसालों के, तो उसे ये नहीं पता होगा कि इसके अंदर से वो कौन सा है, जीरा। तो जी हमारी ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पर, हम हैं अपने आलीशान से सोफे पे और सबसे अलग हटके, सबसे अलग हटके इसलिए क्योंकि सबसे मेन जिम्मेदारी यही होती है खाना निकालने की। तो मैं खाना निकाल रही हूँ, यहाँ हमारी देगे रखी हुई हैं। शिफ्ट अभी आप लोगों ने देख लिया है, काफ़ी सारे लोग खा रहे हैं बैठ के, और यहाँ पर रोटियाँ हैं, ये अन्य रोटी रखी हुई है। और
बस हालत बड़ी खस्ता हो गई है, गले में बहुत ज़्यादा खराश हो रही है और ये किन्नू आ गई हैं हमसे खाना। सालन निकालो, सालन की शक्ल देख लीजिए बहुत अच्छी है, अभी मैं और निकाल के दूँगी। अभी निकालती हूँ तो फिर मिलती हूँ आपसे। सालन कितना टेस्टी लग रहा है। हाय गाइस सब हाय करो। यहाँ नगमा बाजी निकाल रही हैं खाना, सालन निकाल। चलो जी निकालो, किन्नू आप ही निकालो बेटू। अरे बाबू मेरे को डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो जी अब हो चुका है, रात के बज रहे हैं 12 और अब मैं आ चुकी हूँ घर पे और बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी इफ्तार पार्टी बहुत अच्छी रही, सब जने बहुत खुश होके गए, बहुत सारी दुआएं देखे गए और बड़ा मज़ा आया सबके साथ मिल के। और खाना वाना खिलाया सबको, खाना वाना दिया और एक तो ना जब भी बात करें चलती कुछ ना कुछ आ जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की इफ्तार पार्टी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ ढेर सारा वाला लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट प्रॉब्लम में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक बार फिर आपको पूरी फैमिली को, मेरी पूरी वाइटी फैमिली को, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से अलविदा का जुम्मा मुबारक हो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।